साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। महादंगल, आपको बता दें अब से कुछ देर बाद महाराष्ट्र की 11 एमएलसी के लिए वोटिंग होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र में एमएलसी की 11 सीट के लिए मतदान होना है और ये मतदान प्रक्रिया आपसे कुछ देर बाद शुरू होगी। थोड़ी देर में विधानसभा में वोटिंग होगी। मैदान में महायुति के 9 उम्मीदवार हैं। अघाड़ी से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक एमएलसी को जिताने के लिए 23 एमएलए की वोटों की जरूरत है। दोनों गठबंधन के पास अपने उम्मीदवार जिताने के लिए संख्या बल का अभाव है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की भी संभावना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रॉस वोटिंग की भी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, सीएम शिंदे ने विधायकों संग बैठक की है। आपको बता दें ताज लैंड्स होटल में है शिवसेना एमएलए। बड़ी जानकारी मिल रही है। आप देखिए यहां पर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स, एक बार फिर से उसी को लेकर जानकारी मिल रही है। सीएम शिंदे ने विधायकों के संग बैठक शुरू कर दी है। ताज लैंड्स होटल में शिवसेना के एमएलए इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर उनकी बैठक चल रही है। सीएम शिंदे ने ये विधायकों संग बैठक की है। एक रणनीति, ठोस रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। हम आपको पूरा गणित भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज महाराष्ट्र एमएलसी की 11 सीटों के लिए मतदान होना है और थोड़ी देर में विधानसभा में वोटिंग होगी। मैदान में महायुति से 9 उम्मीदवार हैं, अघाड़ी से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक एमएलसी को जिताने के लिए 23 एमएलए के वोटों की जरूरत है। आप समझिए, अगर एक एमएलसी को जिताना है तो 23 एमएलए की वोटों की जरूरत होगी, तब जाकर यहां पर 11 एमएलसी के चुनावों का पूरा जो कार्यक्रम है वो संपन्न हो पाएगा। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बताते हैं महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव का पूरा गणित क्या है। उस गणित को आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए, ताकि आसान भाषा में समझाएं। 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। महायुति के पास कितने हैं? 200 वोट हैं। महाविकास अघाड़ी के पास है 65 वोट, ये संख्या है। एक सीट पर जीत के लिए 26 वोट चाहिए। अगर एक सीट जीतनी है तो 26 एमएलओ का साथ होना चाहिए। उद्धव शरद ने भी एक एक उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। और वहीं पर आप देखिए उद्धव के पास 15 विधायकों का वोट भी है, यहां पर भी उनको बढ़त मिल रही है। शरद पवार के पास सिर्फ 12 एमएलए का वोट है, ये समझना होगा। हम आपको पूरा नंबर गेम समझा रहे हैं, कितनी जरूरत है एक एमएलसी के लिए, 26 वोटों की जरूरत है और वो 26 एमएलए होंगे जो मतदान करेंगे। शरद पवार के पास सिर्फ 12 एमएलए का वोट है। इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधा आप चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, और हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, हम देख रहे हैं 11 एमएलसी के लिए अब से कुछ देर बाद ही चुनावी मैदान में जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा, और अगर एक एमएलसी को जिताना है 26 वोटों की जरूरत है। सीधे तौर पर ये आंकड़ा दिख रहा है, क्या क्या कुछ और जानकारी से जुड़ी हुई? देखिए आज का दिन बेहद अहम है प्रियंका, और सबसे बड़ी बात कि 12 कैंडिडेट हैं, 11 सीटें एमएलसी की, विधान परिषद की। ऐसे में तय है कि किसी भी एक पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें, जिस आंकड़े की बात आप कर रहे हैं, तो कांग्रेस को छोड़कर, अगर हम विरोधी खेमे विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस को छोड़कर और किसी भी पार्टी में, सत्ता पक्ष को छोड़कर, विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं, सत्ता पक्ष में तो तीनों के पास आंकड़े हैं कि हाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जीत मिलेगी। लेकिन विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस को छोड़कर किसी के पास आंकड़े नहीं है। और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जिसका जिक्र आप कर रहे थे, इसी में मैं आपको बताऊं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में भी लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे, वो लगातार बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा कल रात कांग्रेस की बैठक हुई थी, उद्धव ठाकरे उसमें शामिल हुए थे। यानी व्हिप भी कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है कि पार्टी लाइन से इतर वोट नहीं देना है। ताज ये होटल बताया जा रहा है जहां पर बैठक चल रही है। अब से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे ने विधायकों संग बैठक की है। क्या वो बैठक समाप्त हो चुकी है? कौन कौन वहां पर पहुंचा है और इससे जुड़ी क्या जानकारी? देखिए हाँ, जाहिर तौर पर 9 बजे से वोटिंग का टाइम है, 9 से 4 का वक्त है और 5 बजे वोटों की गिनती होगी। तो बैठक जो बिल्कुल सुबह शुरू हुई थी, इसके बाद अब विधायकों को जाना होगा विधानमंडल, वहां वोट करना है। तो जाहिर तौर पर जो रणनीति है वो बन चुकी है, अब सिर्फ वोट की जरूरत है, वोट का वक्त है, मतदान का वक्त है, तो वोट करने के लिए विधायक जाएंगे। तमाम बैठकें अब खत्म हो गई है। रणनीति कल से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए शुरू हो गई थी और तमाम, सिर्फ एक पार्टी नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, बीजेपी, एनसीपी, शरद पवार गुट, अजीत पवार गुट, या फिर दूसरे जो दल हैं, शिंदे गुट हैं, ये तमाम लोग जो हैं अपने अपने विधायकों को सेफ
सेफ रखने की कोशिश कर रहे थे और कल से इन लोगों ने होटल में डेरा जमा लिया था। और अब तो देखिए वक्त होने वाला है, अब थोड़ी देर में तमाम जो विधायक हैं वो विधानमंडल पहुंचेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे मताधिकार का, और उसके बाद शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी तब पता चल जाएगा कि आखिर किस। बिल्कुल अनूप, और कल हमने देखा था कि बैठकों का दौर भी कैसे चला था अपने विधायकों को इंटैक्ट करने के लिए।